उज्जैन शहर में नापतोल विभाग द्वारा ऑटो रिक्शा के मीटर सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया गया है। महाकाल लोक के निर्माण के साथ ही उज्जैन में लाखों भक्तों का आना जाना शुरू हो गया है। इसमें ऑटो रिक्शा चालक द्वारा अधिक किराया वसूलने की शिकायतें भी बढ़ती जा रही है। इसको लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने आरटीओ यातायात और नापतोल विभाग के माध्यम से ऑटो रिक्शा चालकों की मीटिंग लेकर उनको चेतावनी भी दी थी और उनको मीटर लगाकर शासन द्वारा तय रेट से किराया लेने को कहा था, मगर इसका पालन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानुसार नापतोल विभाग द्वारा उज्जैन शहर में संचालित ऑटो रिक्शाओं के मीटर का सत्यापन कार्य प्रारंभ किया गया है। मंगलवार को नापतोल निरीक्षक संजय पाटनकर द्वारा लगभग 50 ऑटो रिक्शाओं के मीटर का रोड ट्रायल लेकर सत्यापन कार्य किया गया और ऑटो वालों को मीटर लगाकर और तय रेट से किराया लेने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आदेश नहीं मानने पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। ऑटो में मीटर की चेकिंग की जा रही है, क्या रुपए रेट इसका शुरुआत है और जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मीटर का जो रेट तय किए गए हैं वो पहले किलोमीटर के लिए 20 रुपए है और उसके बाद प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए 17 रुपए है। इस तरह से 2 किलोमीटर चलता है तो 37 रुपए के लगभग 37+38 इस तरह से बनना चाहिए, ये है। और मैं जनता से ही कहना चाहूँगा कि वो ऑटो में बैठे तो मीटर से चले। ऑटो वालों को बोला कि मीटर से चलेंगे हम और मीटर में जो चार्ज बनता है, जो फेयर बनता है वो दे। उज्जैन में कितने ऑटो हैं, इनमें सब में कार्रवाई होना है, तो कब से कार्रवाई शुरू है? अभी ऑटो का रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा तो हमारे पास कुछ नहीं है और वो भी मीटर भी अभी शायद से कई सालों बाद यहाँ उज्जैन में लग रहे हैं। तो अब जैसे जैसे सत्यापन कार्य होता जाएगा उसी हिसाब से हमारे पास एक आंकड़ा मिलता जाएगा, जिसके हिसाब से हम आगे बता पाएंगे कुछ जो भी है।